गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन चिल्ड्रन इन आर प्रीवियस क्लास वी डिड द पोएम मैरी गो राउंड एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्नड इट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्रीहेंशन दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू एज वी हैव डन इट इन पी टी वन ऑल्सो सो आई होप आपको याद होगा कि हम कॉम्प्रीहेंशन कैसे करते हैं सबसे पहले जो पैसेज गिवन होता है उसे अच्छे से रीड करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं देन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स पैसेज में से फाइंड करते हैं सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड द क्वेश्चन ओनली लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन द आंसर्स चिल्ड्रन वन थिंग मोर विच आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर इस बार जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना आपके पी टी वन वाले पैसेज से डिफरेंट होंगे जब हमने पी टी वन में पैसेजेस किए थे उसमें जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में आपको ऑप्शनस गिवन थी और आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना था बट दिस टाइम आपके जो आंसर्स हैं उनमें कोई ऑप्शन नहीं है आपने आंसर्स को पैसेज में से फाइंड करके सेंटेंस फॉर्म में लिखना है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द हेडिंग हेडिंग इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज रेक्स गेट्स अ न्यू डॉग रेक्स को एक नया डॉग मिलता है ही लवस टू प्ले विथ हिज डॉग उसे अपने डॉग के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है जो रेक्स क्या है एक बॉय का नेम है तो उसे एक नया डॉग मिलता है उसे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है समटाइम्स रैक्स टेक्स हिज डॉग टू दाक कभी कभी रेक्स अपने डॉग को पाक में लेके जाता है दे रन जम्प एंड चेज ईच अद किसके लिए यूज किया गया रेक्स एंड डॉग के लिए वो दोनों क्या करते हैं रन करते हैं भागते हैं जम्प मीन्स कूदना कूदते हैं एंड चेज ईच अदर एक दूसरे के पीछे भागते हैं पीछे क्यों भागते हैं हम किसी के जैसे खेलते हैं तो कैच करने के लिए ना सो दे रन जम्प एंड चेज इच अदर रेक्स थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स हिज डॉग रेक्स अपने डॉग की तरफ बॉल फेंकता है ही हैज़ फन विद हिज न्यू डॉग वो अपने न्यू डॉग के साथ बहुत मज़ा करता है फन मीन्स मज़ा करना एंजॉय करना ओके आई थिंक पैसेज की आपको समझ आ गई है नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेट्स अ न्यू डॉग किसे न्यू डॉग मिलता है सेकेंड वन इज वेयर डज रेक्स टेक हिज डॉग रेक्स अपने डॉग को कहा लेके जाता है थर्ड वन इज वर्ड डज रेक्स थ्रू टूवर्ड्स हिज डॉग रेक्स अपने डॉग की तरफ क्या फेंकता है फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स एंड इसके अंडर थ्री सब पार्ट्स हैं फर्स्ट वन इज मैक्स गेट्स अ न्यू डॉग मैक्स को न्यू डॉग मिलता है रेक्स हैज फन विद हिज न्यू डॉग रैक्स अपने न्यू डॉग के साथ फन करता है मजा करता है रेक्स लवस टू प्ले विद हिज कैट रेक्स को अपनी कैट के साथ खेलना अच्छा लगता है क्वेश्चन नंबर फाइव इज कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इसके अंडर टू सब पार्ट्स हैं ये जो सेंटेंसेस हैं ये इनकम्प्लीट हैं इनको भी हमने पैसेज में से ही कंप्लीट करना है फर्स्ट वन इज रेक्स लव्स टू प्ले सेकेंड वन इज रेक्स थ्रोज अ बॉल टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज पिक एनी टू नाउंस फ्रॉम द अबव पैसेज जो ऊपर पैसेज हमें गिवन है उसमें से अब हमने टू नाउंस पिक करने हैं आई होप आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हैं नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेट्स अ न्यू डॉग किसे न्यू डॉग मिलता है अगर आपने पैसेज को अच्छे से सुना है अच्छे से रीड किया है तो आपको इसका आंसर फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा रेक्स गेट्स अ न्यू डॉग सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज रेक्स टेक हिज डॉग रेक्स अपने डॉग को कहा लेके जाता है सो आंसर फाइंड करें आंसर है इसका सेकेंड लाइन में फर्स्ट सेंटेंस आंसर में हमें समटाइम्स वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है जैसी क्वेश्चन में जितना पूछा गया उतना ही हम बताएंगे कि रेक्स डॉग को कहाँ लेके जाता है वो पाक में लेके जाता है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेक्स टेक्स हिज डॉग टू द पार्क रेक्स अपने डॉग को पार्क में लेके जाता है थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज रेक्स थ्रो टुवर्ड्स हिज डॉग रेक्स अपने डॉग की तरफ क्या फेंकता है तो क्या फेंकता है अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया आपको इतना तो याद है कि रेक्स अपने डॉग की तरफ बॉल फेंकता है नाउ लेट्स फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज आंसर है आपका थर्ड लाइन में थर्ड लाइन में आपका आंसर है रेक्स थ्रोज अ बॉल टू वर्स डॉग रेक्स अपने डॉग की तरफ बॉल फेंकता है नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में फर्स्ट सेंटेंस है मैक्स गेट्स अ न्यू डॉग मैक्स नाम का तो कोई बॉय का नेम नहीं हमने पढ़ा पैसेज में ना हमने तो रेक्स के बारे में पढ़ा है ना रेक्स गेट्स अ न्यू डॉग तो मैक्स गेट्स अ न्यू डॉग क्या है फॉल्स सेकेंड वन इज रेक्स हैज फन विद हिज न्यू डॉग रेक्स अपने न्यू डॉग के साथ फन करता है तो ये लाइन तो सेंटेंस में आई थी लास्ट लाइन थी ना कि ही हैज़ फन विद हिज न्यू डॉग जो ही वर्ड है वो रेक्स के लिए ही यूज़ हुआ था तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट सो इट इज ट्रू थर्ड सेंटेंस इज रेक्स लव्स टू प्ले विद हिज कैट नो no. रेक्स के पास तो कैट नहीं थी उससे तो डॉग मिला था तो ये आंसर क्या है ये सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम फॉल्स क्योंकि सेंटेंस रॉन्ग है अगर यहाँ पे रेक्स लव्स टू प्ले विद हिज डॉग होता तो हमने लिखना था ट्रू ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो हमारे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट थे उनको अब हमने कंप्लीट करना है फर्स्ट वन इज़ रेक्स लव्स टू प्ले अब ये सेंटेंस अब हम फाइंड करते हैं कौन सी लाइन में है रेक्स लव्स टू प्ले फर्स्ट लाइन में ही सेकेंड सेंटेंस है ही लव्स टू प्ले विद हिज डॉक तो ये जो ही वर्ड है वो रेक्स के लिए यूज़ किया गया है तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे रेक्स लव्स टू प्ले प्ले के बाद क्या लिखा है विद हिज डॉक विद हिज डॉग हम इस सेंटेंस में लिख के इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वन इज रेक्स थ्रो थ्रोज अ बॉल टूवर्ड्स अब देखते हैं ये वाली सेंटेंस कौन सी लाइन में है थर्ड लाइन में ये सेंटेंस है रेक्स थ्रोज अ बॉल टूवर्ड्स उसके बाद क्या है हिज डॉग तो हमने हिज डॉग लिख के इस सेंटेंस को भी कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर सिक्स इज पिक एनी टू नाउन्स फ्रॉम द अबव पैसेज जो ऊपर पैसेज है उसमें से अब हमने टू नाउन्स चूज़ करने हैं आपने जो नाउन्स लिखने हैं वो मेक श्योर sure कि आपने पैसेज में से ही लिखने हैं समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं कि वो कोई भी नाउन् लिख देते हैं तो वो आपके कंसिडर नहीं किए जाते तो नाउन् आपने वही लिखने हैं जो पैसेज में से आए हैं वैसे तो पैसेज में बहुत सारे नाउन्स आए हैं बट हमने कौन से चूज किए हैं फर्स्ट वन इज़ डॉग एंड सेकेंड वन इज़ पार्क। अगर आपने कोई और जब आप ये कॉम्प्रीहशन अपनी बुकलेट में सॉल्व करोगे आपने कोई और नाउन्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो सो आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से क्लियर है हो गया है वैसे भी बहुत सिंपल है। अब आपने अपनी कॉम्प्रीहशन की बुकलेट में इसको सॉल्व करना है थैंक यू